दोस्तों, अगर आपके बाल भी समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं और आप भी उनको काला करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप जो आप इजीली बना भी सकते हैं और उसको अप्लाई करके अपने सफ़ेद बालों को काला भी कर सकते हैं, और इससे आपके जो सफ़ेद बाल हो चुके हैं वो तो काले होंगे ही और धीरे धीरे आपके परमानेंटली बाल काले होना शुरू हो जाएंगे, सफ़ेद बालों की समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनकर फॉलो जरूर करिएगा। आपने आज से पहले मेरे चैनल पर और भी वीडियोस देखी होंगी सफ़ेद बालों को काला करने के लिए, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा कुछ नया लाने का ट्राई करती हूँ कि मुझे लगता है जो चीज़ आसानी से बन जाए, और हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर मैं खुद पे ट्राई करती हूँ, अपनी मम्मा पे ट्राई करती हूँ और फिर आप लोगों के साथ में वो चीज़ शेयर करना पसंद करती हूँ। क्योंकि डे बाय डे जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हो सकता है वो कुछ लोगों को असर करी हो और कुछ लोगों को ना असर करी हो, तो जिन लोगों को असर नहीं कर पाई उनके लिए भी कुछ बेहतर लाना मेरा ही फर्ज है। तो बिना टाइम वेस्ट करे बहुत शॉर्ट टाइम में इस तेल को बनाना है और अपने सर पर लगाकर बालों को काला करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको लेनी है लोहे की कढ़ाई। आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं तो आप दूसरी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा अगर आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाएं, तो उससे हमारे बालों का कलर ज्यादा अच्छा आएगा, हमारे बालों के लिए ज्यादा फायदेमंद तेल बनेगा। उसमें आप डाल दीजिए सरसों का तेल। इस तेल को आप एक महीने के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तेल इसमें ऐड कर दीजिए। सरसों का तेल डालने के बाद आप इसमें ऐड करिए 2 चम्मच मेहंदी और 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण। त्रिफला क्या करता है, हमारे बालों को नेचुरली काला करता है, शाइन लेकर आता है, आपके बाल जो झड़ रहे हैं उन बालों को झड़ने से रोकता है, आपके बालों को कंडीशनर करने का काम करता है, और साथ में इसमें होता है विटामिन सी जो आपके बालों में जितनी भी खुजली की प्रॉब्लम है, आपके बालों में डैंड्रफ है, ये सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। और हिना जो होती है हमारे बालों का झड़ना रोकती है। जिनका भी गंजेपन के जो लोग शिकार हो रहे हैं, जिनके बाल बहुत पतले हो गए हैं ना, वो बहुत ही चमकदार हो जाएंगे। और जिन लोगों की शिकायत रहती है कि मेहंदी लगाने से हमारे बाल रफ हो जाते हैं, तो हमने इस्तेमाल किया है इसमें त्रिफला का और सरसों के तेल का, तो ये ऑयल आपके बालों को बल्कि रफ ना करके जो उनकी रफनेस है उनको दूर करके आपके बालों में नई जान लेकर आएगा। एक बार जरूर इसको ट्राई करिएगा, कितने भी आपके बाल झड़ रहे होंगे वो रुक जाएंगे, आपके बालों का वॉल्यूम बढ़ेगा, आपके सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। तो इनको कम से कम आप तीनों चीज़ों को 5 मिनट के लिए उबालें। उबलते उबलते देखेंगे आप धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जा रहा है। 5 से 10 मिनट उबालने के बाद आप गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद करने के बाद आप इसको ढककर रख दीजिए। ढककर रखेंगे तो उसके बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। गाढ़ी होने के बाद आपने छन्नी की मदद से छान कर इसको कांच के बर्तन में स्टोर करना है। ध्यान रखेगा इस चीज़ का, प्लास्टिक के बर्तन में नहीं, कांच के बर्तन में आपको इसको स्टोर करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल काला तेल बन चुका है। अब क्या करना है, इस तेल को हफ्ते में 2 से 3 बारी आपको अपने बालों की जड़ों में लगाना है, उसके बाद अपने बालों की पूरी लेंथ में लगाना है। इस तेल को लगाने के बाद आपको सो जाना है, रात को ही इस तेल को आपको अपने सर पे लगाना है। अब आप सोचेंगे कि इससे आपके तकिए या चादर जो है जिसपे आप सो रहे हैं उस पर स्टेन लग जाएगा, इसका मार्क्स पड़ जाएगा। तो देखिए, जब भी आप कोई तेल लगाते हैं तो भी आपकी चादर या तकिया खराब ना हो, आप एक्स्ट्रा टॉवल लेके सोते हैं, तो ऐसे ही इस तेल के साथ करना है। आपको एक सेपरेट टॉवल बना लीजिए, वो उस तकिए पे बिछा लीजिए या उस चादर पे बिछा लीजिए, उसके बाद आराम से सो जाइए और सुबह उठ के आपको वॉश करना है। हफ्ते में 2-3 बार इसको लगाएं और कंटिन्यूस इसको आप एक फ्लो में रखें। 1 महीने लगातार लगाएंगे और उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके बाल जो बिल्कुल सफेद थे उनमें एक अलग सा कलर भी आ गया है, आपके बालों में नई जान आएगी, आपका सबसे बड़ी बात हेयर फॉल जो हो रहा है ना वो स्टॉप होगा और आपके नए बाल उगेंगे, वो भी बहुत बढ़िया और मोटे। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके प्यारे से कमेंट का इंतजार करूंगी। ऐसी हमेशा आपके लिए कुछ नया और बेहतर लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।